तो हे गाइस, ये रही आज की वीडियो की शाउट आउट। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दो। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप मजे में होंगे। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं क्राफ्टिंग बिल्डिंग। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मॉब्स के बारे में जो कि गेम में तो थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उन्हें बाद में हटा दिया गया। और गाइस, वो बहुत ही अमेजिंग थे। तो मैं कुछ ऐसे ही 6-7 मॉब्स के बारे में आपको बताऊंगा जो गेम से हटा दिए गए हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ, लेट्स गो गाइस। सो ओके गाइस, हमारा फर्स्ट मॉब का नाम है हाउरिंग इन्फर्नो। सो गाइस, ये एक ऐसा मॉब था जिसके पास ब्लेज वाली पावर थी और ये चारों तरफ चार शील्ड से ढका हुआ रहता था। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उसका फोटो। गाइस, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसके पास शॉकिंग वाला भी पावर था। ये किसी को मतलब शॉक दे देता था प्लेयर्स लोगों को। तो गाइस, पता नहीं क्यों इसको हटा दिया गया। ओके गाइस, चलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे मॉब की तरफ। तो गाइस, हमारा दूसरे मॉब का नाम है ग्रेट हंगर। तो गाइस, ये जो मॉब है ना, ये जमीन के अंदर धस जाता था। और गाइस, इसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे ये कोई भी आप अगर इसके सामने इंचेंटमेंट आर्मर या इंचेंटमेंट वेपन लेके जाओगे तो गाइस यार उसको ये डिस इंचेंट कर देता था। और इसके पास एक ऐसी भी एबिलिटी थी जिससे ये कोई भी चीज को इंचेंट कर देता था। सो गाइस, ये भी तो बहुत अमेजिंग मॉब था, पता नहीं क्यों इसको हटा दिया गया। सो गाइस, आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा ये कैसा दिखता था। ओके गाइस यार, चलते हैं अब हम लोग अपने थर्ड मॉब की तरफ जिसका नाम था मॉन्स्टर ऑफ द ओशियन डेप। तो गाइस, ये भी बहुत अमेजिंग मॉब था, पता नहीं क्यों इसको हटा दिया गया। लेकिन गाइस, ये बहुत ज्यादा डेंजरस मॉब था। ये पानी के अंदर रहता था, ये कुछ ऑक्टोपस जैसा दिखता था। और गाइस, अगर आप इसके सामने जाओगे या अगर आप इसके ऊपर से बोट लेके जाओगे तो वो आपको नीचे पानी में खींच लेता था और गाइस ये मार देता था प्लेयर्स को। इसीलिए गाइस इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसको मारना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप था, इसीलिए इसको हटा दिया गया था गेम से। सो ओके गाइस, चलते हैं अब हम लोग अपने फोर्थ मॉब की तरफ। ओके गाइस, हमारे फोर्थ मॉब का नाम है किलर बनी। सो गाइस, पता नहीं इसको भी क्यों हटा दिया गया, लेकिन गाइस ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था। इसको हटा दिया गया, ठीक ही किया गया और नॉर्मल वाले बनी को ऐड कर दिया गया। गाइस, ये एक ऐसा बनी था ना कि अगर आप इसके सामने जाओगे तो ये आपको मार देगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। और इसके आईज जो है ना वो रेड रेड कलर के थे, आप देख ही पा रहे होगे स्क्रीन पे। ओके गाइस, चलते हैं हम लोग अपने फिफ्थ मॉब की तरफ। तो गाइस, हमारे फिफ्थ मॉब का नाम था आइसोलॉजर। तो गाइस, ये एक विलेजर्स के जैसा ही दिखता था, आप देख ही पा रहे होगे स्क्रीन पे। गाइस, ये इतना पावरफुल था ना कि इसको कोई भी हरा नहीं पाता था। और ये जब आप इससे फाइट लोगे तो ये आप पे आइस फेंकता था जिससे आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता। और ये गाइस कभी नहीं हारता था किसी से, इसीलिए गाइस इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये जो प्लेयर्स है उसको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देता था, इसलिए इसको बाद में हटा दिया गया गेम से। आप देख ही पा रहे हो कि ये सेम टू सेम विलेजर जैसा ही दिखता है, लेकिन गाइस उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस ही है, विलेजर्स तो हमें कुछ भी नहीं करते हैं। सो हाँ गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सबकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, अगर आपको पता थी ये सब पाँचों मॉब्स के बारे में तो नीचे कमेंट में बता देना कि आपको ये सब पता थी, और किसके बारे में नहीं पता थी वो भी बता देना। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'm